पेन ब्लू मार्कर हमारे बच्चों के लिए 11th क्लास का हम जो कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं उसका एलिप्स के बारे में एक ओवरव्यू हम लोग आपको बताते हैं, फिर बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आप क्लास से पूछेंगे। तो आप एलिप्स के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एलिप्स है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम एलिप्स की बात करेंगे। एलिप्स व्हाट इज इट, एलिप्स इलिप्स के बारे में ज़्यादा हमको जानना नहीं है। हम पहले से भी बता चुके हैं कि इलिप्स एक कोनिक सेक्शन का एक कोन का एक पार्ट है। इसकी एक्सेंट्रिसिटी एक से छोटी होती है। मीन्स इलिप्स 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 इज अ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन सेक्शन हुज whose eccentricity eccentricity is less than one. This implies eccentricity less than one. और इसका जो फिगर होता है वो इस टाइप से होता है। ये एक इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इसका सेंटर कहलाता है। ये एक इलिप्स है। मीन्स अगर हम सर्कल को हल्का सा दबा दें, सर्कल को दबा देंगे तो वो दब जाएगा और वो अंडे अंडे की टाइप बिल्कुल ओवल टाइप का हो जाएगा। और यही हमको इसी को हम बोलेंगे इलिप्स। इसको हम ओवल ओवल शेप्ड ओवल शेप्ड फिगर भी कह सकते हैं कि अंडा अंडा के शक्ल का एक फिगर है। चल तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं किस तरह से होता है, क्या होता है। तो ये आपका इलिप्स हो गया और इसमें क्या होता है, S1 S2, इसका दो दो फोकस होता है, इसलिए हम इसको फोसाई बोलते हैं। चूंकि फोकस को प्लूरल में फोसाई बोलते हैं तो S1 S2 इसके दो फोसाई हो गए। जब इसके दो फोसाई होंगे तो ऑटोमेटिकली इसके दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे, दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में। और इसका जो ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट ए और ए डैश बोलेंगे इसको, तो ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये भी इसका वर्टेक्स। इसका मतलब इसके दो दो वर्टिसेस हैं, इसके दो दो वर्टिसेस हैं, दो दो फोसाई हैं, दो दो डायरेक्ट्रिसेस हैं। तो इसी के बारे में हम लोग इसका जनरल जो इक्वेशन होता है हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कहेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे x² / a² + y² / b² = 1। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वेयर हम बात करेंगे, वेयर ए क्या चीज़ है, ए को बोलते हम लोग सेमी सेमी माने आधा, सेमी मेजर एक्सिस, एंड बी को हम लोग बोलते सेमी माइनर एक्सिस। और हम लोग बात करते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मीन्स लंबाई, मेजर एक्सिस की लंबाई। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी लंबाई को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो डेफिनेटली ये जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है ये b हो जाएगा। ये टोटल है 2b, ये 2b है और ये आपका 2a हो गया। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी a हो जाएगी, तो यही a है। पूरे मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मीन्स आधा, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। ये आपका o जो दिख रहा है वो आपका सेंटर है, वो जो o दिख रहा है वो आपका सेंटर ऑफ एलिप्स। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। इसका जनरल इक्वेशन यही है। अगर इसमें टू, मैं इसको दो से गुना कर दूं तो ये फुल हमको मेजर एक्सिस की लंबाई दे देगा। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये फॉर्मूला जो हम सबसे पहले हम पॉइंट नंबर वन जो हमको याद रखना है, ये जो बी स्क्वायर का वैल्यू होता है, बी स्क्वायर होता है a² (1 - e² बिकॉज ई जो है एक से छोटा होता है, जो कि हमने यहाँ भी देखा था, इसलिए ये जो बी स्क्वायर का वैल्यू है वो हो जाएगा a² (1 - e² और यहाँ से जब हमको एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू आएगा तो b² / a² = 1 - e²
और फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ई स्क्वायर को इस पार लाएंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से जो हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमको ई, तो ई ए अंडर रूट में आ जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन ए, ये हमको एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया, ये हमको एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया, ये ए स्क्वायर है, ये हमको एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया। तो ये हमको जो बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के टर्म्स में हम लोग इतना लिखेंगे, और इससे हमको एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ दूसरे पहलूज को देख लेते हैं नेक्स्ट। और इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर होता है इसका 0 0, सेंटर 0 0 हो गया। और वर्टिसेस की अगर हम बात करें, वर्टिसेस मीन्स वर्टिसेस वर्टेक्स, ये हो जाएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस ए ई 0। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको क्लास में आप क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको सिर्फ याद रखिए, वर्टिसेस इक्वल टू ए प्लस माइनस ए ई 0, ये आपका वर्टिसेस हो गया। और रही बात फोसाई की, तो फोसाई FOCII फोसाई जो है यस, इसका वैल्यू होगा वर्टिसेस, ये सॉरी गलती हो गई, ये प्लस माइनस ए 0 हो जाएगा, और ये होगा प्लस माइनस ए ई 0, या हम इसको बराबर सी 0 भी कह सकते हैं। चलिए तो ये आपका फोसाई हो गया। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस हुआ, क्योंकि डायरेक्ट्रिस राइट में भी है और लेफ्ट में भी है। तो पहला हो गया सेंटर, फिर हो गया वर्टिसेस, फोसाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, और लास्ट आता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम की अगर हम बात करें, लैटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो आएगा ये हो जाएगा 2b² / a। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, फिर उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, बाकी और जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हम आपको क्लास में और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बताया जाएगा। ये एक्सेंट्रिसिटी ई है, तो आपको मेन आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया, इसी से हमने आपको मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी मेजर, सेमी माइनर, फिर एक्सेंट्रिसिटी, फिर सेंटर, वर्टिसेस, फोसाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये सारी चीज़ें का आप एक बार देख लीजिए। और अगर फिर और चूँकि दिक्कतें तो आएंगी, चूँकि हमें अभी इसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, फिलहाल सिर्फ आप इसको फॉर्मूला याद कर लीजिए, और हम आपको क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। चलिए फिर क्लास में मिलते हैं।